तो राहुल गांधी कांग्रेस के नए अध्यक्ष बन गए हैं। उन्होंने सोनिया गांधी की जगह ले ली है। देश की सबसे पुरानी पार्टी के लिए राहुल गांधी 49वें अध्यक्ष बने हैं। दिल्ली में पार्टी मुख्यालय 24 अकबर रोड पर आयोजित कार्यक्रम में उन्हें अध्यक्ष बनने का सर्टिफिकेट दिया गया। इस मौके पर कांग्रेस के तमाम दिग्गज नेता मौजूद थे। पूर्व पीएम डॉक्टर मनमोहन सिंह, सोनिया गांधी, जनार्दन द्विवेदी भी मौजूद थे और प्रियंका गांधी भी अपने पति के साथ समारोह में शामिल होने के लिए पहुंची। उधर बाहर कांग्रेस कार्यकर्ताओं का हुजूम उमड़ा था, जमकर आतिशबाजी हो रही थी। कई लोक कलाकार भी जश्न मनाने के लिए यहां पर पहुंचे थे और इस सब के बीच राहुल की ताजपोशी हो गई, राहुल युग की शुरुआत हो गई। कांग्रेस पार्टी के भीतर राहुल राज आ गया है। तो दिलचस्प यह भी है कि राहुल बतौर अध्यक्ष, राहुल गांधी ने जो अपना पहला भाषण दिया तो क्या अंदाज उनका था, क्या बातें उन्होंने कही। और वहीं सोनिया गांधी ने भी अपने अध्यक्ष पद की चुनौतियों को किस तरह से बताया, पिछले 19 साल के अनुभव को। एक बार आग लग जाती है तो उसे बुझाना बहुत मुश्किल होता है। यही हम बीजेपी के लोगों को समझाने की कोशिश कर रहे हैं। एक बार आपने देश में आग लगा दी, उसको बुझाना बहुत मुश्किल होता है। और आज बीजेपी के लोग पूरे देश में आग और हिंसा को फैलाने की कोशिश कर रहे हैं और इसको रोकने के लिए पूरे देश में सिर्फ एक शक्ति है, वो है कांग्रेस पार्टी का प्यारा कार्यकर्ता और नेता। वो तोड़ते हैं हम जोड़ते हैं, वो आग लगाते हैं हम बुझाते हैं, वो गुस्सा करते हैं हम प्यार करते हैं। ये फर्क है हम में और उनमें। और मैं कांग्रेस कार्यकर्ताओं को और नेताओं को आज आश्वासन देना चाहता हूं, आप सब मेरे परिवार और आप सब, चाहे आप युवा हो, बुजुर्ग हो, कहीं के भी हो, आप सब मेरे हो और मैं आप सबको अपना पूरा प्यार, दिल से पूरा प्यार दूंगा। आज महसूस होने लगा कि कांग्रेस पार्टी कमजोर हो रही है, उसके सामने गंभीर चुनौतियां आ रही हैं और सांप्रदायिक तत्व उभर रहे हैं। तभी मुझे पार्टी के आम कार्यकर्ताओं की पुकार सुननी पड़ी। मुझे यह महसूस हुआ कि इस जिम्मेदारी को नकारने से इंदिरा जी और राजीव जी दोनों की आत्मा को ठेस पहुंचेंगे और उनका बलिदान व्यर्थ जाएगा। इसीलिए देश के प्रति अपने कर्तव्य को समझते हुए मैं राजनीति में आई थी। उस समय कांग्रेस के पास, जहां तक मुझे याद है, शायद केवल 3 राज्य सरकारें थी। हम केंद्र सरकार से भी काफी दूर थे। इस चुनौती का सामना किसी एक व्यक्ति का समर्थकार नहीं कर सकता था। आप सबके सहयोग से हमने बेमिसाल कामयाबी हासिल की और एक के बाद एक 2 दर्जन से अधिक प्रदेशों में हमारी सरकारें बनी। जी, तो ये बातें थी जाती हुई सोनिया गांधी की अध्यक्ष पद से और कांग्रेस अध्यक्ष के तौर पर पहला भाषण जो देखा आपने राहुल गांधी का, जो संदेश, जो रास्ता, जो नीति, जिसकी बात उन्होंने रखी। मेरे साथ जुड़े हुए आईपी सिंह साहब, बीजेपी के नेता है, कृतिदीप पांडे साहब समाजवादी पार्टी से मेरे साथ है, विनीत दुबे कई लोगों के साथ मौजूद है मेरे से, और हर्षा चांदवानी दिल्ली से भी मेरे साथ जुड़ गए हैं। हर्षा, तो आप यहाँ पर दिल्ली में क्या देख रहे हैं? कांग्रेस जनों के बीच में जाहिर है उत्साह है, नाच गाना है, जश्न है, लेकिन जो लाइन खींची है राहुल गांधी ने, वो संदेश कहाँ तक जाता दिख रहा है? The
देखिए अजय, 132 साल पुरानी विरासत, तो विरासत के लिए अध्यक्ष तो बने ही है राहुल गांधी, लेकिन साथ साथ इस विरासत के साथ साथ चुनौतियां भी बहुत है उनके रास्ते में। एक तरह से इसके कांटों भरा ताज कहा जा सकता है, क्योंकि 2019 के आम चुनाव तो एक बड़ी चुनौती है, साथ साथ अगले साल होने वाले 8 राज्यों के विधानसभा चुनाव भी एक बड़ी चुनौती है। मैं इस वक्त कांग्रेस मुख्यालय के बाहर हूँ अजय, और आपको तस्वीरें दिखा देती हूँ जश्न की। यहाँ तस्वीरें दिखा देती हूँ उत्साह की, खुशी की, जो कार्यकर्ताओं के बीच है, और कार्यकर्ता बेहद खुश है। अमेठी से लेकर के तेलंगाना की बात करें, राजस्थान की बात करें, हरियाणा की बात करें, पंजाब की बात करें, सब तरफ से कार्यकर्ता यहां पर पहुंचे हैं, और कई कार्यकर्ता का तो ये तक कहना है कि राहुल गांधी आगे चल के प्रधानमंत्री तक बनेंगे। हम इनसे बात करते हैं, हमारे साथ खड़ी हैं, हम देख रहे हैं मैम यहाँ पे एकदम होली दिवाली जैसा माहौल है, जश्न पूरे अपने चरम पर है यहाँ पे, कितनी खुश हैं आप? हम बहुत खुश हैं, पूरा देश खुश है, पूरे कार्यकर्ता खुश हैं, पूरे देश को बहुत उम्मीदें राहुल गांधी जी से हैं। राहुल गांधी गुजरात चुनाव के बाद एक बहुत ही ज़्यादा मैच्योर और ताकतवर बन के उभरे हैं, और आज जो उनकी ताजपोशी अध्यक्ष के रूप में हुई है, निश्चित रूप से वो देश को बहुत आगे ले जाने में, प्यार सद्भाव और सभी धर्मों को साथ जोड़ते हुए आगे ले जाने में सफल होंगे। लेकिन एक बात जानना चाहूँगी, हम लोग ने पिछले कुछ समय में देखा है कि कांग्रेस का जनाधार कहीं ना कहीं सिकुड़ता गया है, कम होता गया है, क्या राहुल गांधी वो जनाधार को वापस से चरम पे पहुंचाने में सक्सेसफुल रहेंगे? जनाधार बढ़ाने में भी और फिर से दोबारा 19 में सरकार बनाने में भी राहुल गांधी का ही योगदान रहेगा, और जितना देश का युवा है सब उनके साथ चलेगा, और देश में एक नई क्रांति आएगी नई ऊर्जा के साथ। वो आज अपना शपथ ग्रहण समारोह उनका हुआ है, और उस हम लोगों को भी यही आशा है, पूरे देश के युवाओं को आशा है कि राहुल गांधी बहुत ऊँचे जाएंगे, और इस जो भी ये सरकार है, जो व्यभिचारी सरकार है, ये सरकार सांप्रदायिक सरकार है, इस सरकार को उखाड़ फेंकने में हम सारे कांग्रेसी लोग सफल होंगे। बिल्कुल हर्षा, तो एक बार जरा हमें वो तस्वीर भी दिखा दीजिए अपने कैमरे के जरिए, जो तस्वीर वहां पर आपके पीछे में देख रहा हूं, पटाखे भी चल रहे हैं, आपने बताया होली दिवाली से माहौल है। बिल्कुल अजय, तस्वीरें देखिए, यहाँ पे कांग्रेस मुख्यालय के बाद होली दिवाली जैसा माहौल है, यहाँ पे लोग आपस में रंग खेल रहे हैं, यहाँ पे पटाखे लगाए जा रहे हैं, मिठाइयाँ बट रही हैं, तो एक तरह से जो हुजूम है कार्यकर्ताओं का वो यहाँ पे इकट्ठा हो गया, पूरा दिल्ली का अकबर रोड भरा हुआ है, यहाँ पे अलग अलग राज्यों के जो फोक आर्टिस्ट हैं वो भी यहाँ पर पहुँचे हैं, बेसिकली जो यूथ कार्यकर्ता है कांग्रेस के वो यहाँ पर पहुँचे हैं। जैसे आपको मैं ये दिखा दूँ, तेलंगाना से फोक आर्टिस्ट पहुँचे हैं, उनका गेटअप आप देख सकते हैं, सुबह से ये लोग यहाँ पर पहुँचे हैं, सुबह से ये लोग यहाँ पे अपना फोक नृत्य कर रहे थे। इन्हीं से पूछते हैं, आप लोग तेलंगाना से आए, हैदराबाद से आए हैं, हैदराबाद से आए आप लोग, ये तेलंगाना का फोक डांस आप लोग ने सुबह से परफॉर्म किया था, कितने ज़्यादा खुश हैं आप? ज़्यादा खुशी है, हमारा युवा सेना लीडर है अनिल यादव, उसके तरफ से हम हैदराबाद से दिल्ली को आया। तो ये कौन सा नृत्य पेश कर रहे थे, जरा एक बार कहिए तो सही कि हमें भी दिखाए हमारे जरिए, कांग्रेस मुख्यालय के बाहर आपके कैमरे के जरिए। जी अजय मैं आपको सुन नहीं पाई, क्या अपना सवाल दोबारा रिपीट कर सकते हैं? ये जो दो कलाकार यहाँ पर सजे धजे दिखाई दे रहे हैं, वो उनसे जरा कहिए वो कौन सा नृत्य पेश कर रहे थे, एक बार हमारे दर्शकों को भी तो दिखाएं। जी मैं आप लोगों के पास दोबारा से आ रही हूँ। आप लोग जो सुबह नृत्य कर रहे थे, क्या एक बार और हमारे कार्यक्रम में थोड़ा सा करके दिखा देंगे? थोड़ा सा तो अजय हमने इनसे कहा है, तो आप भी देख लीजिए कि आखिरकार इनका जो तेलंगाना का जो फोक डांस है वो किस तरह से होता है, और ये जो आप गेटअप देख लीजिए, कुछ खास गेटअप है जिस गेटअप को करके ये कांग्रेस मुख्यालय के बाहर पहुंचे हैं, और सुबह 6 बजे से ये सभी लोग यहाँ पर हैं अजय, और सिर्फ तेलंगाना से ही नहीं बल्कि पंजाब से, राजस्थान से, तमाम जगहों से यहाँ पे फोक आर्टिस्ट पहुँचे हैं जो कि परफॉर्म कर रहे हैं लगातार कांग्रेस ऑफिस के बाहर। तो ये तस्वीरें हैं, तो ये तस्वीरें ये बात बयां करती है कि कार्यकर्ताओं में खुशी तो बहुत ज़्यादा है, लेकिन कार्यकर्ताओं को किस तरह से 2019 और विधानसभा के लिए किस तरह से राहुल गांधी अपने नेतृत्व में तैयार करते हैं वो सबसे बड़ी बात है जो देखने वाली होगी, क्योंकि चुनौतियां बहुत है राहुल के सामने साफ तौर पे। और ये देखिए तरह तरह से यहां पर लोग अपनी खुशी का इजहार कर रहे हैं, जश्न मनाए जा रहे कांग्रेस मुख्यालय में राहुल गांधी के अध्यक्ष बनने के बाद की जो तस्वीर उभर के यहाँ से सामने आ रही है, पूरी तरह से कार्यकर्ता जश्न में डूबे नजर आ रहे हैं। विनीत दुबे हमारे संवाददाता भी जुड़े हुए हैं लखनऊ में,
मेरे साथ इस वक्त विनीत, आप आपके यहाँ भी कई लोग दिखाई दे रहे हैं, क्या ये कांग्रेसी कार्यकर्ता हैं? इनका क्या रिएक्शन है? राहुल गांधी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने के बाद पूरे देश में कांग्रेसियों में खुशियां दिखाई दे रही हैं। राजधानी लखनऊ की अगर बात करें तो यहां भी तस्वीरें कुछ अलग दिखाई दे रही हैं। यहां पर करीब 60 किलो का लड्डू बनाया गया है और उसको यहां पर वितरण किया जा रहा है। खासतौर पर पूरे कार्यालय को हरे गुब्बारों से यहाँ पर सजाया गया है। उनको हम लोग के अंदर उत्साह का एक अजीम सी ऊर्जा हम लोग के शरीर के अंदर भीतर में समा रही है। युवा क्रांति आई है राहुल जी अध्यक्ष बनने पे, हम सबको बहुत खुशी का बात है। हम सब बहुत क्या लगता है आपको कुछ बदलाव आएगा? जरूर कांग्रेस में बदलाव आएगा, पूरे देश में बदलाव आएगा, पूरे देश की राजनीति अब शक्ति के मार्ग पर चलेगी। राहुल जी झूठ नहीं बोलते, कांग्रेस पार्टी झूठ नहीं बोलती है, राहुल जी सत्य बोलते हैं। अब पूरे देश में सत्य की राजनीति होगी, सच बोला जाएगा, सच देश के सामने रखा जाएगा। कांग्रेस के कुछ वरिष्ठ नेता भी हमारे साथ मौजूद हैं, क्या कहना चाहते हैं आप लोग? राहुल गांधी अध्यक्ष बन गए, एक नई दिशा मिलेगी कांग्रेस? बिल्कुल बिल्कुल, आप यहाँ का जोश खरोश आप देख रहे हैं, किस तरह का जोश खरोश है और जिस तरह का जोश खरोश यहाँ पे, एक बड़ी चुनौती कांग्रेस सामने उसी तरह से है जैसे देश की आजादी के समय में आरएसएस उस तरह के लोग अंग्रेजों के साथ थे, आज उस तरह के लोग सत्ता में बैठे हैं। राहुल गांधी के सामने एक ऐसी बड़ी चुनौती है कि ऐसी सांप्रदायिक ताकतों को उखाड़। खास तौर पर अगर लखनऊ में देखा जाए तो युवाओं में काफी जोश दिखाई दे रहा है, युवाओं का कहना है कि अब युवाओं की तकदीर और तस्वीर कुछ बदलने वाली है। निश्चित ही जिस तरीके से राहुल जी ने युवाओं के लिए छात्रों के लिए लड़ाई लड़ी है, हम लोगों में खुशी की लहर है। अध्यक्ष बने हैं, आज जो है कारोबार ग्रहण किया है, निश्चित ही अच्छे दिन तो नहीं आए मगर सच्चे दिन जरूर आएंगे और राहुल गांधी जी के नेतृत्व में अब युवा और देश आगे बढ़ेगा निश्चित ही। तो अजय, जैसा आप यहाँ पर युवाओं की आवाज को सुन रहे थे, उनका ये कहना है कि अब अच्छे दिन के साथ साथ जो सच्चे दिन है वो जरूर आएंगे और राहुल गांधी युवाओं के लिए उत्तर प्रदेश में एक नया कांग्रेस यहाँ पर लेकर आएंगे? साफ तौर पर तो आज जो है ये जश्न और जोश चरम पर है, हर कांग्रेस मुख्यालय में, चाहे दिल्ली की बात करें या लखनऊ, दिल्ली से लखनऊ तक आपको दिखाई दे रहा है। कीर्तिदीप पांडे जी, क्या आपको लगता है कि अब कांग्रेस जब नए रास्ते पर चलेगी, ग्रैंड ओल्ड पार्टी को ग्रैंड ओल्ड एंड न्यू पार्टी बनाएंगे राहुल गांधी, और उन्होंने लाइन खींची है कि नफरत वर्सेस प्यार, बीजेपी की राजनीति और अपनी राजनीति के बारे में, तो उत्तर प्रदेश में ये कैसा कोई बदलाव लाएगा, क्या कोई मौका आप देख पा रहे हैं क्या राहुल गांधी के लिए उत्तर प्रदेश की राजनीति में? फिलहाल तो वो काफी कमजोर पड़ चुके हैं यूपी में। देखिए अजय जी, मैं पत्रकार बता रहे थे कि राहुल गांधी के पास कुछ खोने के लिए अच्छा नहीं है, कहा जा सकता है, और ऐसे समय में राहुल गांधी जी को नेतृत्व मिला है। आपकी आवाज आ नहीं पा रही है। निश्चित रूप से कहा जा सकता है और उनको हमारी सुकाना भी है नेतृत्व में, इस देश के अंदर से सांप्रदायिक। चलिए मैं आपके पास लौटूंगा इस देश के अंदर। आईपी सिंह साहब, यही सवाल मैं आपसे कह रहा हूं जी, आईपी सिंह साहब, क्या आने वाले दिनों में उत्तर प्रदेश की राजनीति पर असर पड़ना लाजमी है? जब नेतृत्व बदलेगा तो और तरीके बदलेंगे कांग्रेस के राहुल गांधी की अगुवाई में? देखिए अजय जी, आपके साथ फिर एक बार मैं विनोद अग्नोत्री जी का, जो कि आपका रिश्ता भी उत्तर प्रदेश से है, और मैं उसका जिक्र करना चाहूंगा। कृति जी हमारे साथ बैठे हुए हैं, उत्तर प्रदेश की राजनीति क्या पूरे उत्तर भारत की राजनीति बिल्कुल बदल चुकी है। स्ट्रक्चरल राजनीति होती है, यहां तक कि मंडल स्तर तक का बूथ कार्यकर्ता जब तक नहीं होता किसी भी राजनीतिक दल के लिए पांव जमाना बहुत ही कठिन है। उत्तर प्रदेश के पिछले चुनावों को अगर देखा जाए तो जहां उत्तर प्रदेश में 403 सीटें हैं, देश का सबसे बड़ा सूबा है, वहां कांग्रेस 4 सीटें जीतती है, और लोकसभा के चुनाव में 2014 में
कांग्रेस सिर्फ माँ और बेटे जीतकर उत्तर प्रदेश से जाते हैं, ऐसे में अगर ये एक्सप्लोर किया जाए कि राहुल गांधी के इस दौर में आ जाने से कांग्रेस के सेहत पर कोई फर्क पड़ेगा, तो आईसीयू में पड़ी हुई कांग्रेस, सिमटती और खत्म होती हुई कांग्रेस को कोई पुनर्जीवन मिलने की संभावना उत्तर प्रदेश में नहीं है। आप जो बात कह रहे हैं वो 2013 को जो 5 साल पूरे होने जा रहे हैं, जिसमें भावात्मक अपील इसी तरह राहुल गांधी और श्रीमती सोनिया गांधी ने उस दिन भी किया था कि रात में माँ मेरे कमरे में आई और कहीं सत्ता जहर है, तो सत्ता अगर जहर है तो राहुल गांधी क्या ये कांग्रेस के वर्कर को जो पोस्टर चिपकाता हो, जिसने भूख देखी हो, जो सोने का चम्मच लेकर न पैदा हुआ हो, क्या कांग्रेस में या समाजवादी पार्टी में या आरजेडी में या ऐसे तमाम दल हैं, क्या सोने के चम्मच लेकर पैदा हुए लोग ही अध्यक्ष बनेंगे या पोस्टर चिपकाने वाला अजय जी कार्यकर्ता? माननीय नितिन गडकरी जी ने कहा, माननीय अमित शाह जी ने, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने कहा कि जब हम कार्यकर्ता थे, जब हम छोटे थे, तो अटल जी, आडवाणी जी और अपने राष्ट्रीय नेतृत्व का पोस्टर चिपकाया करते थे। इस स्वरूप की पार्टी भारतीय जनता पार्टी है, लोकतंत्र में विश्वास को विदा कर दिया आईपी सिंह जी ने, आज उसी नेतृत्व को मोदी और अमित शाह ने विदा कर दिया, कांग्रेस जिसके नेतृत्व में लोग पोस्टर लगाते थे, ये कल्चर है भारतीय जनता पार्टी का। राहुल गांधी के बाद प्रियंका गांधी, और उसके बाद अगर देखा जाए तो प्रियंका वाड्रा के जो बेटे हैं, हो सकता आगे चलकर वो कांग्रेस के वारिस बने, क्योंकि राहुल गांधी ने सार्वजनिक जीवन में भी रहते हुए उन्होंने अभी कुछ शादी विवाह किया नहीं है, इसलिए नहीं कहा जा सकता कि आगे उनकी कोई वंश परंपरा बढ़ने वाली है। नहीं नहीं ठीक है, परंपरा आईपी सिंह, मैं तो ये कह रहा था ना, तो उनकी जो बहन है प्रियंका वाड्रा, उनके आईपी सिंह साहब, आप सुन नहीं पा रहे, मुझे लगता है कि मेरी आवाज आप तक पहुंच नहीं पा रही है, या कई बार जो है इन दिनों बीजेपी में भी ये बात दिखाई देती है कि आवाज पहुंच नहीं पाती है, राहुल गांधी भी कुछ ऐसा ही कहने की कोशिश कर रहे थे आज। मैं आपको कह रहा हूं कि राहुल गांधी को पूरी तरह से अनसुना करने का बीजेपी जोखिम उठा सकती है क्या? क्या 2004 को भूल सकती है बीजेपी? 2009 को बीजेपी भूल सकती है? उस वक्त भी कांग्रेस की स्थिति ऐसी ही थी, तो समाजवादी पार्टी के जो कीर्ति जी हमारे साथ बैठे हैं ये साफ हो जाएंगे। अगर हम अनसुना कर देंगे तो दूसरी तरफ मायावती जी जो दलितों की मसीहा कहती है वो साफ हो जाएंगी, तो कांग्रेस का जो कोर वोट बैंक है जय जी, वो समाप्त हो चुका है। आज नहीं, कांग्रेस तो ढहना शुरू हो गई थी उत्तर प्रदेश में 1989 के बाद, और थोड़ी बहुत जान उसमें कभी कभी परिस्थितियां बदलती हैं उत्तर प्रदेश में, तो थोड़ी बहुत जान उसमें आ जाती है। लेकिन अगर कहिए कि कांग्रेस खड़ी हो जाएगी, तो कांग्रेस खड़ी होने में बिल्कुल असंभव सी बात है, ये मेरी बातें नहीं है। अगर खड़ी होगी तो कीमत होगी समाजवादी पार्टी की, कीमत होगी बहुजन समाजवादी पार्टी की। इनकी कीमत पर अगर खड़ी होती है तो समाजवादी पार्टी के कीर्ति जी उन्हें समर्थन दे, निश्चित तौर पर इनकी कीमत पर कांग्रेस खड़ी होगी। लेकिन भारतीय जनता पार्टी निरंतर आगे बढ़ रही है, हम निरंतर आगे बढ़ेंगे। मैं आपके पास लौटूंगा, लेकिन कीर्ति जी पांडे जी जो एक बात कही आईपी सिंह साहब ने, क्या कांग्रेस वापस अपना जमीन हासिल करे उत्तर प्रदेश में, ये चाहेगी समाजवादी पार्टी? ये समाजवादी पार्टी के फायदे में होगा? देखिए, समाजवादी पार्टी अजय जी उत्तर प्रदेश में अपने आप में बहुत मजबूत पार्टी है, ये अगर उन्हें नेतृत्व देगा तो राहुल गांधी देगा। देख लो, पंजाब में एमएलए बने, पूरे देश में एमएलए बने, एमपी बने, राहुल भाई ने गुमनामी के अंधेरों से उनको निकाल के बगैर असुरक्षा के उन्हें नेतृत्व दिया है। तो मेरे भाई, आज आप एक बात समझ लो कि जब नेतृत्व की बात करते हो तो जांचा परखा खरा, अगर कोई परिवार है तो 4 पीढ़ियों तक टिकना, जहां टिकना है वहां टिकना बड़ा मुश्किल है। तो कपूर खानदान और गांधी परिवार दिया है, लिया कुछ नहीं, क्या लिया है? चाचा नेहरू ने देश को आजादी दी, सब कुछ छोड़ छाड़ के न्यौछावर करके, इंदिरा जी ने जान न्यौछावर कर दी राजीव जी के साथ कर्तव्य पथ पे चलते हुए, और आज राहुल भाई
उनसे पहले सोनिया जी ने त्याग करते हुए इस देश को बहुत बड़ा प्रधानमंत्री दिया, एक सोच दी, एक विचारधारा दी, और आज राहुल भाई संघर्ष को गहना बना के जूझ रहे हैं परिस्थितियों के साथ। सोना आग में डालोगे काला नहीं होगा, संवरेगा, निखरेगा, मैल को फेंक के और चमकेगा। लेकिन यहाँ से लेकर 2019 तक भैया यहाँ से लेके 2030 तक की बात करो, 35 तक की बात करो, 25 साल की बात करो, एक बात समझ लो, जहाँ पतझड़ है वहाँ बहार भी है, जहाँ अस्त है वहाँ उदय भी है। ये उदय है कांग्रेस का। राहुल गांधी वर्सेस मोदी, एक बात समझ लो, देयर इज नथिंग इजी इन लाइफ, द ओनली थिंग दैट यू विल गेट विदाउट एफर्ट इज डैंड्रफ, माय डियर फ्रेंड। सफल करने वाले, मेहनत करने वाले ही विकास करते हैं, सफल वो होते हैं जो प्रयास करते हैं, और हाथ पे हाथ धर के बैठने वाले दूसरों की सफलता का आभास करते हैं। तो अपने चिरपरिचित अंदाज में जो बातें कह गए नए नए कांग्रेसी बने, वो काफ़ी है। अब मैं जल्दी जल्दी कुछ चीज़ें आपको दिखा दूं। दिल्ली में कांग्रेस के जो नए राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी की ताजपोशी हुई तो जश्न पूरे देश में कांग्रेसी बना रहे हैं। लखनऊ के कांग्रेस मुख्यालय में किस तरह का हाल है, जानकारी दे रहे हैं हमारे संवाददाता विनीत दुबे। राहुल की ताजपोशी के बाद पूरे देश में कांग्रेसी जश्न मना रहे हैं। खासतौर पर अगर राजधानी लखनऊ की बात की जाए तो राजधानी लखनऊ के मुख्यालय को पूरी तरीके से सजाया गया है। आप देख सकते हैं तस्वीरों में किस तरीके से तिरंगे झंडे लगाए गए हैं, खासतौर पर गुब्बारे यहाँ चारों तरफ बाउंड्री वॉल पर लगाए गए हैं। आप लोग जश्न मना रहे हैं, राहुल गांधी के लिए जश्न मना रहे हैं, क्या कुछ कहना चाहेंगे? आज देखिए 60 किलो का लड्डू है यूपीसीसी में तैयार है और दिल्ली में हमारे सारे लोग वहां पहुंच चुके हैं। हम आज उनको बधाई भी दे रहे हैं और साथ साथ 2019 के होने वाले युवा प्रधानमंत्री राहुल गांधी जी हम आपके बीच नजर आएंगे। आगामी 2019 में प्रधानमंत्री के रूप में राहुल को देख रहा है, महिलाएं क्या कहें? हम तो लोग बहुत खुश हैं, आप लोग बहुत खुश हैं कि राहुल जी बने, और राहुल जी के साथ हम लोग कंधा से कंधा जोड़ के काम करेंगे और हमारे भाई बहने सब निकल के आएंगे। तो लखनऊ के कांग्रेस कार्यालय पर युवा कांग्रेसियों को पूरी पूरी उम्मीद है कि जो उम्मीद उन्होंने नरेंद्र मोदी से लगाई थी वो पूरी नहीं हुई, लेकिन अब राहुल गांधी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने के बाद 2019 में राहुल गांधी प्रधानमंत्री बनेंगे, साथ ही साथ अच्छे दिन के साथ साथ सच्चे दिन भी देखने को यहां जनता को मिलेंगे। वीडियो जर्नलिस्ट अमित सिंह के साथ लखनऊ से विनीत दुबे, न्यूज स्टेट, उत्तर प्रदेश। राहुल गांधी पांडे जी, आपसे जो मैंने सवाल किया था आप बात पूरी नहीं कर पाए थे, संक्षेप में क्या कांग्रेस बढ़े यूपी में ये समाजवादी चाहेगी? देखिए, मैंने कहा कि कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष बने उनको बधाई, हम अपनी बात करेंगे, हम समाजवादी पार्टी के लोग हैं, हम अपनी ताकत बढ़ाने की बात करते हैं। समाजवादी पार्टी यानी अखिलेश यादव जी के नेतृत्व तो अगर रिवाइव होती है, आप ये महसूस कर रहे हैं ना कि अगर कांग्रेस रिवाइव होती है राहुल गांधी से कुछ फायदा पहुंचता है कांग्रेस को, तो वो समाजवादी पार्टी के लिए सीधा नुकसान होगा, क्योंकि जमीन तो एक ही है आपकी करीब करीब। नहीं, समाजवादी पार्टी अपनी बात करती है, समाजवादी पार्टी मजबूती बात करती है, और आदरणीय अखिलेश यादव साथ आए थे, चुनाव लड़े थे, अभी हाल ही में बहुत दिन नहीं हुआ है, तो लगातार साल भी नहीं बीता है भारतीय जनता पार्टी की सरकार के जन विरोधी नीतियों के खिलाफ। और नहीं तो गठबंधन हुआ था, आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने किया था गठबंधन, मैंने तो कहा कि आगे की रणनीति पे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी तय करेंगे गठबंधन होगा कि नहीं होगा, लेकिन दोस्ती तो आज भी है, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने तो कई बार किया कि दोस्ती आज भी हमारी राहुल गांधी से जो है समाजवादी पार्टी देती रहेगी कांग्रेस को आगे भी। देखिए, भारतीय जनता पार्टी इस समय देश के अंदर जो शासन चला रही है उसमें महंगाई बढ़ी है, लोकतंत्र तमाम फैसले इनके लोकतंत्र के लिए खतरा है, ठीक है, और ऐसी परिस्थितियों में कोई गठबंधन बने, कोई विचारधारा, तमाम विचारधाराएं जो बीजेपी के खिलाफ एक हो तो उसमें समाजवादी पार्टी भी पहल करेगी। अच्छा, चलिए, आईपी सिंह साहब, एक बात जो कह गए राहुल गांधी कि बीजेपी कांग्रेस मुक्त भारत की बात कर रही है, मैं ऐसा नहीं करूंगा, लोकतंत्र में सबको रहना होता है, वो भी भारत की एक पार्टी है।
देखिए अजय जी, एक बात राहुल गांधी बार बार पिछले दो तीन भाषणों में वो लगातार जिक्र कर रहे हैं कि गुस्से में हैं। मुझे लगता है कि राजनैतिक रूप से जब से होश संभाला है श्री राहुल गांधी ने, वो गुस्से की आपको याद करिए कि बाहें चढ़ाना, कागज फाड़कर फेंक देना, सिर्फ गुस्से में भाषण देना, मुझे एक भी भाषण राहुल गांधी का याद नहीं आता है 2004 से लेकर 2017 जाने वाला है, कुछ दिन बचे हैं, कि वो कभी 13 सालों में गुस्से में कोई भाषण न किए हो। तो किस गुस्से की बात राहुल गांधी करते हैं? और कांग्रेस मुक्त भारत की बात इसलिए हम करते हैं, वही कांग्रेस थी अजय जी जो 2014 से पहले 12 लाख करोड़ के घपले घोटाले की, आपको याद होगा कि कोई चाहे आसमान हो, धरती हो, पाताल हो, सब जगह कांग्रेस ने लूटा है, कांग्रेस ने तोड़फोड़ की राजनीति की, कांग्रेस ने महंगाई इस देश को दिया, कांग्रेस ने इस देश को भूखमरी और गरीबी दिया है, कांग्रेस ने आपस में बांटने का काम किया है, हिंदू मुसलमानों को लड़ाने का काम किया है, बैकवर्ड फॉरवर्ड की राजनीति अभी वो गुजरात और धर्म के आधार पर करके लौटी है। तो कांग्रेस का जो ये चरित्र है, कांग्रेस अपने कर्मों से साफ हो रही है, कांग्रेस को एक वर्कर नहीं मिल पा रहा है कि जो पोस्टर लगाया तो राष्ट्रीय अध्यक्ष बना दे। अरे ये जिगर, ये दिल दिखाना चाहिए था राहुल गांधी को। मैं इस वक्त आप सबका धन्यवाद करूंगा। दिलचस्प देखना होगा ये कि किस रास्ते, जो राहुल ने आज बातें कही हैं, उस रास्ते कांग्रेस कहां तक चल पाती है, किस मादा के साथ। राहुल गांधी ने अपना इरादा जरूर आज साफ कर दिया है अध्यक्ष बनने के साथ ही।